हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैंने आप लोगों को कल पूरा का पूरा वन शॉट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा करा दिया आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आईडी की सिंगल वीडियो है एक घंट दो घंटे की वीडियो एक वीडियो है पूरा दो घंटे का जिसके अंदर मैंने चार के चार चैप्टर बहुत अच्छे से रिवीजन करा दिया ये वन शॉट में डालने का एक ही पर्पज था कि यहाँ वहाँ आप वीडियो के लिए भटको ना एक ही वीडियो है उसे सेव कर लो क्लास लाइक करके रख लो अपने पास लाइक लिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ से जितना जितना आपको देखना है मैंने टाइम टाइम स्टैम्प जो है उसको भी पिन कर दिया है कॉमेंट में तो जितना जितना आपको देखना है चैप्टर का आराम से आप उस चैप्टर का रिविजन बहुत अच्छे से कर सकते हो अब मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक क्यों ये टॉपिक दे रहा हूँ क्लास में बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर इंडियन याद नहीं हो रही उसको लर्न कैसे करें तो बेटा मैं बता दूं आपको इंडियन में हार्डली पांच क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं मैक्स टू मैक्स सिर्फ पांच ही क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें पूछे जाएंगे इस पूरे के पूरे सिलेबस में तो कितना आप याद करोगे पांच ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कितना लर्न करोगे कितना रट्टा मारोगे तो आंसर है आपको कुछ भी चीज़ लर्न करने की रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जिन बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है जो बिल्कुल भी दो लाइन अपनी मर्जी से बना के नहीं लिख सकते उन लोगों को थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आप आज की आज का दिन और कल का दिन है आप अंडरस्टैंड करके अपनी राइटिंग स्किल्स को नहीं बढ़ा सकते एक दिन में विच इज इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो बेहतर है कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एटलीस्ट उन उन क्वेश्चन को आराम से आप लर्न कर लो लेकिन ये मैं तुम्हें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के इतने इतने क्वेश्चन इनके आंसर्स तुम्हें याद नहीं करने अपनी कॉपी में सोर्सेज से उठा उठा के लिखना है मेरे नोट्स आपके नोट्स आपके स्कूल की बुक जो भी इंटरनेट सोर्सेस हैं जो भी आपके अदर टीचर्स जो भी नोट देते हैं जहां से भी आपको जो भी कुछ मिलता है आराम से इन सब के आंसर्स खुद अपनी भाषा में बना बना के लिखो लिखना वही जो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कोई ऐसा वर्ड मत लिखना जो बहुत टफ हो जो तुम्हें याद ना हो अपने सिंपल सिंपल भाषा में इसका लिख के रखना पूरा का पूरा बाकी मैं कल लाइव आ रहा हूँ शाम को पांच बजे ये सारी चीज़ें क्लास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब का मैं आपको अच्छे से रिविजन करा दूंगा पूरे सिलेबस का फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी की कंप्लीट लाइव रिविजन होगी तो सबको शेयर कर देना ये इंफॉर्मेशन कल शाम को सत्ताईस मई को शाम को पाँच बजे पूरा

रट्टाफिकेशन हटा दो दिमाग से निकाल दो सर लर्न कैसे करना है हटा दो अगर मैं तुमसे सिंपल भाषा में चलो सुनो सिंपल भाषा में अगर मैं तुम लोगों से पूछू कि बेटा बताओ कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है हमारी कंट्री में रूरल और अर्बन एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्यों इतनी बड़ी समस्या होती चली जा रही है उससे क्या नुकसान है अगर मैं तुमसे पूछूं कि हम लोगों को क्या काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे रिसोर्सेस ईंधन बचेंगे तो आप क्या इसका आंसर नहीं दे सकते आराम से दे सकते हो तो यही चीज आपको अपनानी है रट्टा कुछ नहीं मारना सब तुम्हारे दिमाग में सब तुमने दुनिया भर में देखा है सबको तुमको पता है कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए लाउड स्पीकर हॉर्न जो है ज़्यादा नहीं बजाने चाहिए शोर शराबा नहीं करना चाहिए नाली में जो है कचरा कूड़ा करकेट नहीं बहाना चाहिए कोई भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए हमें चाहिए कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी चीज़ें मिलें तो हमें क्लास उस, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए हमें जो न्यू वे है लाइक क्लास जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है लाइक विंड एनर्जी सोलर एनर्जी हमें इनका यूज़ चाहिए एलपीजी गैस सिलेंडर का यूज करना चाहिए, चाहिए उज्जवला योजना के तहत ध्यान रखना उज्जवला योजना पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में जो मोदी जी घर-घर गैस सिलेंडर महिलाओं को दे रहे हैं उसके तहत क्लास सीएनजी का यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना चाहिए स्वि स्विच ऑफ कर देना चाहिए फैन लाइट वगैरह का अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे उस टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए ऐसे और भी बहुत सारी चीजें तो यार तुम अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि भाई मुझे सब कुछ आता है पहले अपने अंदर एकदम हूंकार भरो हाँ मुझे सब कुछ आता है कुछ ना कुछ लिख लूंगा टूटी फूटी छोड़ के अक्षर नहीं आऊंगा ना अकाउंट में मैंने बोला था ना बी में ना इको में एक सिंगल नंबर का भी तुम्हें छोड़ के नहीं आए कसम है तुम्हें कसम है तुम्हें क्लास जिसे भी तुम चाहते हो उसकी कसम है तुम्हें एक भी मतलब घर वाले ऑब्वियस है घर वालों को चाहते हो है ना गलत मतलब मत निकालना ठीक है तो आपको एक भी सिंगल नंबर का छोड़ कर नहीं आना है मतलब मेरी कॉपी साफ सुथरी भरी भराई रहनी चाहिए ये सुनील सर ने बोला इतना मैं करूंगा अब मैं तुम तो बता रहा हूं क्लास उसके बाद सबसे पहले सोचो कि अच्छा इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ बना के इको कॉपी पर छूटता नहीं है दो घंटा बहुत होता है अच्छा मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ अच्छा ये लिख सकता हूँ ये चीज थोड़ा बहुत बना बना के लिखने की कोशिश करो इंग्लिश अच्छी है फिर तो टेंशन ही नहीं है इंग्लिश खराब है तो घर से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी फिर आप लिखो रेंडमली लिखना मत स्टार्ट कर दो हमेशा आंसर को सोचो कि मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही है उनसे बेस्ट लाइन को सबसे पहले पिक करूंगा मैं लाइक लाइक ओपनिंग आपका अच्छा होना चाहिए आंसर की ओप उप... सर बताओ ना टीचर क्लास आंसर की दो लाइन ऊपर की पढ़ के ना हम भी जब कॉपी चेक करते थे तो हम भी देखते दे थे बच्चे की दो लाइन आंसर की आंसर की दो लाइन देखते थे समझ जाते थे कि बच्चा कैसा है यकीन मानो इतना एक्सपीरियंस टीचर को होता है और यहाँ तो बड़े मेरे से बड़े बड़े टीचर जाते हैं वहाँ पे तो काफ़ी एज के टीचर जाते हैं वहाँ पे तो वो लोग शुरू की दो तीन लाइन देख के समझ जाएंगे बच्चा क्या है तो उस हिसाब से आपकी फिर नंबरिंग अगर आप उनको अच्छा लग गया फिर तो उनका खजाना खुल जाएगा ठीक है लो नंबर भर के नहीं लगा तो फिर नंबर कटोती फिर आपने क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है अपने नोटबुक में अपने लिखना बहुत जरूरी है मस्ट राइट भैया इससे आप सिर्फ वीडियोस देखने से बात नहीं बनेगी वीडियोस देखो और लिखो अपने आप से फिर उस कॉन्सेप्ट को रिटेन करो रट्टा नहीं मारना है रिटेन एक दो बार देख लेना अच्छा इसमें ये पॉइंट लिखना है इसमें ये पॉइंट लिखना है मुझे इसके बारे में लिखना है इसके बारे में लिखना है ये सारी चीजें फिर कोई भी डाटा पे फोकस मत करो सर डाटा याद नहीं डाटा अरे डाटा आएगा ही नहीं भैया तुमसे डाटा मांगेगा नहीं डाटा तुम्हें देगा वो उस डाटा को एनालाइज करना है उस डाटा को देख के समझ लो वो आपको एक नंबर में दिया है आपको वर्ड में लिखना है कि यार ऐसा ऐसा इसका इतना परसेंट था इसका इतना परसेंट था इसका कम था इसका ज्यादा था ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा राइट फिर आपको क्या पता अपना ओपिनियन मांगे देखो इको एक, के सिलेबस में ना आपको अपना ओपिनियन आपको बोलेगा आपका अपना ओपिनियन दो डिफेंड करो डिफेंड मतलब सपोर्ट रिफ्यूड मतलब उसके अगेंस्ट में जाओ तो उस स्टेटमेंट के बारे में लिखो क्या आप इसके सपोर्ट में हो या इसके सपोर्ट में नहीं हो जैसे मीडिया वाले होते हैं ना लड़वाते हैं दो समुदाय के लोगों को भी तुम सपोर्ट में तुम सपोर्ट नहीं ऐसे तुमसे पूछेगा तुम्हारा क्या ओपिनियन है तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां तुम्हें रट्टा मारना ही नहीं है आराम से कर लोगे अब तुम क्वेश्चन को आराम से देख सकते हो स्क्रीन शॉट लेना ले लो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में और तुम देख लेना इससे बाहर तुम्हें पेपर देखने को नहीं मिलेगा ये तुम्हें क्लास प्रूफ हो जाएगा दो दिन के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ठीक है उसका या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट व जेंडर यहाँ से आ सकता है इन डिफरेंट सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी सेक्टर से क्या है डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट का कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है इसके अलावा क्लास अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज क्या क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया कैसे जा सकता है क्या नहीं जानते आप अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ क्या क्या है हमारी कंट्री में बेरोजगारी के कॉजेज़ नहीं पता आपको क्या क्या है लिखो फटाफट -फड़ कॉमेंट में लिखो बहुत सिंपल है सोचो कि यार बेरोजगारी क्यों है देश के अंदर क्यों है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी डिफेक्टिव है उसमें एक पॉइंट ये भी है एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है जनता बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन है जहाँ पे कितनी जॉब्स क्रिएट होगी जनता इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है लोग आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंसिव नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है अभी लोगों से काम नहीं अवेंडिंग मशीन आ गई है मेट्रो में लोग टिकट नहीं बेचते मशीन टिकट बेचता है अब तो अब इस सिचुएशन में लोग बेरोजगार हो रहे हैं लोगों की इनकम कम है

इंपॉर्टेंस पक्का पूछा जा सकता है क्लास कोई एक पॉइंट पूछेगा सारा नहीं तो आप सारे पॉइंट लर्न कर लो कोई एक पॉइंट पूछेगा आई क्लास आयुष के बारे में लिखना है मेडिकल टूरिज्म के बारे में लिखना है थ्री टीयर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी एक बार क्वेश्चन दिए थे मैंने कहा था बेटा प्लीज कॉपी में इसके आंसर को लिख लेना आपने नहीं लिखा हमारा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कमियाँ हैं वो चीज़ आपको पूछी जा सकती है इन्वायरमेंट में तीन फंक्शंस इन्वायरमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है क्लास ठीक है कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है ये सब चीज़ें उसके अलावा एयर पॉल्यूशन कॉजेज वी टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शंस तो ये जरूर तुम्हें करना है और मॉक टेस्ट तो तुम बना ही रहे हो क्लास जो भी मॉक टेस्ट आएगा आज से आना स्टार्ट हो जाएगा मॉक टेस्ट शाम को पाँच बजे फिर शाम को आठ बजे भी और कल भी आने वाला है तो वो ज़रूर देख लेना तीसरा है और इस, इसके बाद इन सब में से कोई एक्सप्लेन करने को आ सकता है तो तुम्हें देखो सबको देखना पड़ेगा थोड़ा सा चिपको मूवमेंट क्या है थोड़ा थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी क्या है एम क्या लैंड डिग्रेशन क्या है बायोडावर्सिटी लॉस क्या है सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन ये सब बचपन में पढ़ा था छोटी छोटी क्लासेस में ओजोन डिप्लेशन ग्लोबल वार्मिंग इनके बारे में कम से कम तीन तीन, तीन चार चार लाइन आप कैसे लिखोगे बैठ के डिसाइड कर लेना कि सुनील सर ने जितना बताया हाँ ये हम अपनी ओन लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं प्लीज़ ट्राई कर देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत के सबके अगर नंबर आ गए तो लाइफ में आप मेहनत कोई भी नहीं करेगा सोचेंगे यार मेहनत करने की जरूरत क्या ऐसे नंबर आ जाते हैं कोई उस नंबर की वैल्यू भी नहीं है जहाँ पे टफ कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पर इंसान की वैल्यू होती है आप बोले गए छठी पास हूँ छठी पास हूँ क्यों अभी हम सब पास है भी हैं भैया कोई बोलेगा मैं यूपीएससी क्लियर किया हूँ मैंने आईपीएस रैंक मिली है मुझे या फिर मेरे को आई मिला है तो आपको लगेगा हाँ यार इसकी वैल्यू है आप लोग मैं ट्वेल्थ पास आउट हूँ इतनी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे निकलते हैं वहाँ कम बच्चे निकलते हैं तो यार ये चीजें जहाँ जितना कॉम्पिटिशन वहाँ नाम भी उतना है तो यार लाइफ में अगर भीड़ से आगे निकलना है मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी फील्ड में करो मेहनत करनी पड़ेगी बट एटलीस्ट बोर्ड तो दो ये तो क्लियर करो इस चैप्टर में क्लास आपको चाइना की पॉलिसी जी एल एफ कल्चरल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा चांस है आने का डेमोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान ये पूछा जा सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर पूछा जा सकता है ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इंडिया की चाइना की पाकिस्तान की कैसी रही है फाइनली स्ट्रेटजी इन तीनों की कैसी रही इसके बारे में पूछ सकता है तो ये सारे टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़ 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 इन टॉपिक्स को स्किप मत करके जाना जितने टॉपिक मैंने बताए और जो मैंने लर्न करने का तरीका बताया उसे फॉलो करोगे आराम से हो जाएगा तुम्हारा पेपर छूटेगा नहीं इसकी मेरी गारंटी जो मैंने बोला उसे फॉलो करना डैम श्योर sure नहीं छूटेगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मैं कर सकता हूं मैं कोशिश करूंगा तो हो जाएगा ठीक है कोशिश नहीं करोगे तुम पहले ही हार चुके हो तुम पहले मैदान छोड़ चुके हो राइट मेहनत करो क्लास जितना पसीना यहां बहाओगे ना क्लास उतना तुम एग्जामिनेशन से हॉल से बाहर निकलोगे मजा आएगा वो अकाउंट की खुशी याद करो जो पेपर्स निकले थे कितने खुश थे आप वही खुशी इको से बाहर निकलते वक्त भी चाहिए और वो होगा तब जब आप दो दिन की मेहनत करोगे आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने काम नहीं किया आई होप क्लास आप मेहनत करोगे और अच्छे से स्टडी करोगे और इन क्वेश्चन को प्लीज़ इस क्वेश्चन को सारे दोस्तों तक पहुँचाओ इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो अपने सारे दोस्तों में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एक एक लाइक आ जाना चाहिए वीडियो पे क्लास आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है आई वॉन्ट यूर सपोर्ट आई नीड बैडली आप मुझे बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की मैं फिजिकली मेंटली ठीक नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो आपका प्यार आपका सपोर्ट जो है वही क्लास मुझे खुश बनाता है और मेहनत करने के लिए और अंदर मेरे अंदर आग लगाता है बहुत लंबा सफ़र है बहुत आगे जाना है आप लोग बहुत आगे जाओगे गॉड ब्लेस यू मेहनत करो ऐसी ही तो टेक केयर बाय बाय और बस खुश रहो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में